कैसी लग रही है जिमनी? लुक्स वाइज तो सही है, अभी अपनी खरीदी नहीं है ना। सुपर, उसका बच्चा है। लुक्स मैचो बट नॉट एज मैचो एज द महिंद्रा थार। हमर चलाते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं। ये कैसे लग रही है फ्रॉक्स? मुझे तो अच्छी लग रही है, कल कर दिया बुकिंग मैंने जाकर के। नेक्स्ट ग्लैंजा टाइप की लग रही है, एकदम स्टर्डी है, मतलब स्ट्रांग गाड़ी लग रही है। मैं एक्चुअली मारुति एम्प्लॉई हूं तो मैं इसको नहीं लूंगा। अरे क्यों? ऑटो एक्सपो आ चुका है 2023 और मारुति ने भाई दो बहुत ही बढ़िया गाड़ियां लॉन्च कर दी है, एक है जिमनी और एक है फ्रॉक्स। बड़ा मुश्किल नाम है प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन वो बड़ी बलिनो है। लेकिन आइए लोगों से जान लेते हैं यार कि कैसी लगी उनको ये नई जिमनी। तो हाय सर। हेलो सर, जिमनी देखी आपने? हाँ जी देखी। कैसी लग रही है? सुपर। सुपर लग रही है भाई, पहला जो सबसे पहला कॉमेंट है वो तो सुपर है। बिल्कुल, मतलब क्या कुछ, मतलब सबसे बढ़िया मोर प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल देन एनी अदर कार ऑफ द सेगमेंट। बिल्कुल मोर प्रैक्टिकल सर, मतलब इसके सेगमेंट में है कौन? अब थार है। थार है, मतलब आपको एक्सपेक्टेड प्राइस क्या लग रहा है, कितने की आएगी? 10-11 लाख, 12 लाख। 12 लाख में टॉप आ जाएगा? टॉप नहीं आ जाएगा, मेरे काम का आ जाएगा। ठीक ठाक मॉडल, एक तो ये ठीक ठाक मॉडल ही निकालना चाहिए इनको बीच में। तो खैर सर, आप लेने का प्लान कर रहे हो? सोच रहे हैं। अभी आप 750 रुपये खर्च किया हो? हाँ जी। कि फ्री में जुगाड़ हुआ कहीं से पास? जुगाड़ भी किया है। जुगाड़ है कर ले जो। थैंक यू सर, लीजिए। तो भाई यहाँ पे तो जिमनी के दीवाने लग रहे हैं। भाई कैसी लग रही है जिमनी? लुक्स वाइज तो सही है, बढ़िया लग रही है। टायर टायर छोटे नहीं है? हाँ, मतलब नीचे है यार, है ना? गाड़ी बहुत नीचे। मैं सोच के आया था भाई ये तो थार जितनी ऊंची होगी, ये तो भाई बाढ़ निकल रहा है। उसका बच्चा है, है ना? बच्चा लग रहा है भाई, थार का बच्चा लग रहा है यार ये। और 15 इंची के टायर यार, थोड़े तो बड़े करने चाहिए, है ना? लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या लग रही है? तो अच्छा ही नहीं लग रहा। एक भाई ए वाह, यहाँ पे 1-1 हो गया है स्कोर। तो एक बंदे ने कहा भाई मैं तो लेने आया हूँ, दूसरे बंदे कह रहे हैं भाई मेरी तरफ से तो रिजेक्टेड है भाई ये माल। तो यहाँ पे सर बहुत आ रहे। सर कैसी लग रही है जिमनी? अच्छी लग रही है, है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा तो सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि ये महिंद्रा को टक्कर दे रही है, उसके साइज में छोटी है। इट लुक्स मैचो बट नॉट एज मैचो एज द महिंद्रा थार। तो सर तो आपको मैचो पसंद नहीं? आई लाइक मैचो बट दैट इज लाइक ओवर काइंड ऑफ मैचो, बहुत ज्यादा मैचो हो गया वो। तो गया। सर क्या लग रहा है, क्या प्राइस आएगा इसका? माय वाइफ इज आल्सो देयर। मैम आइए आइए। अरे मैम क्या बात कर रहे हो, आइए। आपने देखी जिमनी कैसी लग रही है? अच्छी लगी। सही लग रही है, तो लेने का प्लान कर रहे हो? हाँ प्लान तो है, अभी इन्होंने बुकिंग चालू कर दिया, करा दो अभी। हाँ करा देंगे। तो सर सबसे सबसे जो है सबसे लीस्ट जो अच्छी बात लगी आपको कि मतलब इसमें मजा नहीं आ रहा है यार, ये वो क्या चीज़ है? मुझे इसमें ऐसे क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, थ्री डोर। हाँ बट देन इट इज़ वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट और थार इज येट टू गेट प्रूवन इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो एंड देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इफ यू सी द रिव्यूज ऑफ थार एंड इट हैज़ सम इश्यूज स्टिल फिट यू नो द फिटिंग्स एंड ऑल। फोल्डिंग मिरर्स नहीं है यार। नहीं नहीं वो ऑटो फोल्डिंग चाहिए भी नहीं उसमें क्योंकि वो उसके लिए डिजाइंड ही नहीं है, इट्स एन ऑफ रोडिंग व्हीकल। दैट इज मोर प्रैक्टिकल नो। या सो बट देन दिस इज लाइक अ दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन इंटरनेशनल मार्केट, इट हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू इट। तो आई मीन दिस इज अ बेटर चॉइस एंड देन मारुति हैज अ बेटर नेटवर्क, बेटर सर्विस। मारुति तो सर सर्विस के उसमें बेटर है। तो 2 पॉइंट्स हो गए जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, एक बंदे ने रिजेक्ट कर दिया है। चलिए थैंक यू। और बात करते हैं, यहाँ पे हमको कौन नजर आ रहा है? यहाँ पे बढ़िया लोग लग रहे हैं यार। सर कैसी लग रही है जिमनी? बहुत अच्छी लग रही है, है? मजा आ गया। हाँ, यार मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या बात। अभी अपनी खरीदी नहीं है ना। क्या लग रहा है, कितने की आएगी? एक्सपेक्टेड प्राइस में कल से 10-11 के आसपास। 10 लाख तो वो तो कार देखो और जिग व्हील्स पे आ ही रहे हैं। उसका थार का हाफ तो जाएगा ही जाएगा यार। थार ने कर दिया 999 पे रियर व्हील ड्राइव, ये रहेगी 10 से ऊपर क्योंकि 4x4 है ना। हाँ ये लेकिन मुझे लग रहा है सारे मॉडल्स में 4x4 नहीं आएगा। नहीं, दो ही मॉडल है, दोनों 4x4 आ रहे हैं। अच्छा, एक बेस है और एक टॉप है। अच्छा, तो Z10 Alpha आ रहे हैं बस। तो प्लान बना रहे हो? उम्मीद तो है भाई। 3 पॉइंट्स हो गए हैं जो लोग खरीदना चाह रहे हैं जिमनी। सर ये सर बड़े गंभीर लग रहे हैं। सर मैं देख रहा हूँ कैसे लग रही है। नहीं, कलर चॉइस अच्छा है, बाकी बिल्कुल चटक कलर। This works. ये मतलब वहाँ दूर 2 किलोमीटर से आते हुए पता लग जाए सर आ रहे हैं। अनलाइक मारुति। हाँ अनलाइक मारुति। सर आपके मतलब ऐसे कोट वाले उसमें थोड़ा अलग ही लगेगी, मतलब आप
ऐसे कोट वोट बिल्कुल हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, हमर चलाते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं। ये सर तो ये तो हम छोटी हमर तो लग रही है, ये छोटी हमर है ना, हमर ने अभी अभी बच्चा दिया है एक और वो ऐसा निकला है, बेबी है। तो आप ये लेने का प्लान कर रहे हो? आई कैन थिंक अबाउट इट बट आई विल नीड टू ड्राइव। ड्राइव बहुत जरूरी है। यहाँ आने के लिए हमारे पास समझदार लोग जिन्होंने बिल्कुल सोचा कि भाई पहले चला के दो, हाँ ऐसे ही नहीं लूँगा, पहले चलानी पड़ेगी। लेकिन भाई चार पांच लोगों से हमने बात करी जिसमें से चार कह रहे भाई हमको तो ये पसंद है। खैर ये तो थी जिमनी जिसको बहुत लोगों ने पसंद कर रहे हैं और मतलब अच्छी भी लग रही है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लग रही है और बहुत भीड़ है भाई, सॉरी बंदा बंदा गिर जाए पता कैसे लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और गाड़ी जो मारुति ने लॉन्च करी है जिसका नाम है फ्रॉन्क्स। तो यार ये फ्रॉन्क्स बहुत समय से सोच रहे थे कि बलिनो क्रॉस के नाम से आएगी, लेकिन अब जो निकाली है वो बिल्कुल ही अलग नाम से निकाला है। फ्रॉन्क्स थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पूछ लेते हैं लोगों को कैसी लग रही है फ्रॉन्क्स। भैया कैसी लग रही है फ्रॉन्क्स? बढ़िया नहीं लगी? बढ़िया लगी, बढ़िया लग रही है। क्या मजेदार क्या लग रहा है, लाइट एंड सब कुछ बढ़िया लग रहा है? सब बढ़िया लग रहा है। तो लेने का प्लान कर रहे हो? फ्रॉन्क्स में हो गया 1 out of 1। तो भाई फ्रॉन्क्स तो हो सकता है। ओहो हो भाई यहाँ तो शूटिंग चालू हो गई है, फिल्म बनाएंगे। तो भैया कैसे लग रही है फ्रॉन्क्स? मुझे तो अच्छी लग रही है यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो मतलब ये मतलब ना प्रॉपर SUV लग रही है, ना प्रॉपर हैचबैक लग रही है, मतलब क्रॉस मतलब गाड़ी हाइब्रिड नहीं, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड को मिला दिया जो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन गाड़ी को ये ले सोच के थोड़ा ना लेता कि मैं हैचबैक ले रहा हूँ, गाड़ी पसंद आई तो ले ली। हाँ। तो अपने को तो बढ़िया लगी भाई, बिल्कुल बढ़िया लग रही है। तो बुकिंग होगी थोड़ी? अच्छा बुकिंग ही करो? कर दी मैंने, हो गई वो? क्या बुकिंग डन? तीर कमान से निकल गया, बस हो गया, कल कर दिया बुकिंग मैंने जाकर के। अच्छा कल ही बुकिंग कर दी थी? बिल्कुल। आज फिर क्यों आ गए? नहीं ठीक है, तो बाकी और गाड़ियां और ब्रांड्स भी देखना है ना। तो 16 हॉल है भाई, 500 किलोमीटर चलना पड़ता है पहले तो एक ऑटो एक्सपो करने के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या लगी? नहीं डिज़ाइन वाइज देखो इसको, और एनी वे मारुति ब्रांड्स जो है उसका तो रिलायबिलिटी हमेशा है ही, हमेशा दिमाग में रहता है। और नेक्सा को तो फिर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर इज डिफरेंट। यस, तो इसका कुछ प्राइस वगैरह डिस्क्लोज किया या सिर्फ बुकिंग? ओनली बुकिंग अमाउंट आई हैव गिवन, प्राइस इज येट टू बी डिस्क्लोज आई गेस। और एस्टिमेटेड भी नहीं बताया उन्होंने? एस्टिमेट बोल रहे थे क्लोज टू 10 और 11 का कुछ उनका था, बट वो अभी दैट इज नॉट येट क्लियर। 10-11 फॉर जीटा और अल्फा? मेरा नीचे से सेकंड मॉडल है, डेल्टा। डेल्टा, अच्छा इसमें चारों निकालेंगे, सिग्मा डेल्टा जीटा अल्फा, मतलब दैट इंफॉर्मेशन इज येट टू बी क्लियर। हां उसमें जिमनी में आई थिंक देयर आर टू वेरिएंट्स, जीटा और अल्फा, यस ओनली टू वेरिएंट्स आर देयर। तो चलो सही है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस यार, मैं भी सोच रहा हूँ लेने की। आपसे पूछूंगा मैं, चल टेस्ट ड्राइव लेके। बहुत बढ़िया, तो चलिए और पूछते हैं। फ्रॉन्क्स में भाई 2 out of 2, वहाँ पे जिमनी में एक बंदे ने मना कर दिया था भाई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को मज़ा आ रहा है। खैर सर से पूछते हैं, सर कैसी लग रही है ये? अभी कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट लुक वाइज कैसी लग रही है? लुक वाइज थोड़ा ग्लैंजा टाइप की लग रही है, मजा नहीं आ रहा है ना तो मतलब। लेकिन सबसे घटिया बात क्या लग रही है? घटिया बात कुछ नहीं है, नेक्सा है, प्रीमियम मॉडल है। लेकिन अगर आपको लेनी हो तो आप लोगे या नहीं लोगे? वेल मैं पहले स्पेसिफिकेशन चेक करता हूँ, उसके बाद लेने वालों में से हूँ। अच्छा भाई सर भी बिल्कुल दिमाग से चलेंगे, कह रहे पहले स्पेसिफिकेशन देखेंगे, प्राइस देखेंगे, चला के देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई लेने का है या अपने को नहीं लेने का है। तो यहाँ पे लोग कंपैरेटिवली देखा जाए तो जिमनी में बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो भाई अब नॉर्मल स्विफ्ट बलिनो ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन नए मॉडल्स की अगर बात करें तो इसमें क्या सही लग रहा है? सर कैसी लग रही है ये? ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे बढ़िया बात क्या लगी? लुक्स अच्छे हैं और SUVs लग रहा है, स्टर्डी लग रहा है, एकदम स्टर्डी है, मतलब स्ट्रांग गाड़ी लग रही है। स्ट्रांग लग रही है देखने से, और मतलब जो बलिनो थोड़ी सी नीचे लग रही थी। नहीं नहीं बलिनो से तो बहुत स्ट्रांग है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या लग रहा है इसका, कितने तक आएगा? 10 lakhs के आसपास, 10 lakh में, मतलब ठीक ठाक मॉडल आ जाएगा जो हम गरीब लोग चला सके। तो आप लेने का प्लान कर रहे हो? मैं एक्चुअली मारुति एम्प्लॉय हूँ तो मैं तो नहीं लूंगा। अरे क्यों? मैं जिमनी पे दिल ज्यादा आया हुआ है, बट दिस इज आल्सो वेरी गुड कार।
तो जिम्नी और उसमें से जिम्नी के पॉइंट ऊपर है, जिम्नी पॉइंट ऊपर है। और सेम प्राइस में। हाँ, मारुति के एम्प्लॉय हो तो अंदर की इन्फॉर्मेशन दो ना। वो अंदर के बता दिया ना, 11 बेटी में डेल्टा। नहीं नहीं, हाँ मान लो 10 से 12 के बीच में आना चाहिए। 10 से 12 के बीच में भाई आ जाएगा डेल्टा। हमको पीछे से अंदर से सोर्स मिले हैं और उन्होंने हमें बताया कि करीब 12 लाख रुपए के अंदर हमें मिल जाएगी फ्रॉन्क्स। तो भाई जिम्नी और फ्रॉन्क्स में से देखा जाए तो लोगों का रुझान भीड़ को देखते हुए और उनसे बात करके हमें लग रहा है कि जिम्नी की तरफ ज़्यादा है। बस एक सरदार जी को पसंद नहीं आई थी, उसके अलावा सबको जिम्नी पसंद आई है। और थोड़े चटके रंग में भी निकाली है, थोड़ी मसल लुक भी रखी है। तो ये है थोड़ी क्लासी, थोड़ी स्टाइलिश, और वो है थोड़ी मसल लुक में। तो आपको कैसी लगी ये दोनों गाड़ियाँ, ये आप हमें कमेंट्स करके बताओ। और अगर आपको जिम्नी और फ्रॉन्क्स में से कोई गाड़ी लेनी हो तो आप कौन सी लोगे, ये भी कमेंट करके बताओ। और कैसी लगी ये वीडियो ये भी बताओ भाई। और साथ में अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।